Nitya Technology Advanced Chip Level Laptop Repair Training Institute. चलिए देखिए, मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आप लोगों को कि आज का टॉपिक तो मैंने थोड़ा एडवांस लेवल का लिया है, तो हो सकते हैं कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो कि फ्रेशर हैं, उनको शायद ना भी समझ में आए। तो समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा कि इस चीज़ को प्रॉब्लम फेस आपको करना पड़ेगा अगर आप इस लाइन में आना चाहते हैं। तो इस सारे पॉइंट को बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए और ये चीज़ें आपको फेस करनी ही पड़ेगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, किन्हीं को समझ में नहीं आए तो उनके लिए भी दोबारा कभी कोई क्लास अरेंज कर देंगे या उनको कोई अलग से डेमो भी अरेंज कर देंगे अगर उनको समझ में नहीं आई हो तो। और ये क्लास मैं उनके लिए रखा हूँ कि जो लोग रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी और पढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है, तो ये उनके लिए है कि पढ़ना बहुत जरूरी है। थैंक यू जैसे फॉर योर एडवाइस सर, हाँ, थैंक यू बहुत सो जरूरी मच। है क्योंकि अब जो जनरेशन आ रहे हैं, 10th जनरेशन, 11th जनरेशन, 12th जनरेशन, ठीक है, तो इस सब इसमें सारे के सारे सारा का सारा नाम ही चेंज हो गया। अगर आप पढ़े पहले वाले पढ़े हैं, आप उसको कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दिए हैं तो बहुत परेशानी होगा आपको। उसी का कुछ एग्जाम्पल लेकर के आज हम आए हैं आप लोगों के साथ में लेटेस्ट जनरेशन में ही, कि आपको देखिएगा कि आपको पहले वाले जनरेशन में तो सब पता था, लेकिन इस वाले में आके बहुत सारे पॉइंट्स आपको ऐसा लगेगा जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है। तो अभी हम आप लोगों के साथ मिल के डिस्कस करेंगे। एक्चुअली मैं कोई पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बताने आया हूँ। जिस पॉइंट्स में आपको कमी होगा या जिस पॉइंट को आप मिस कर रहे होंगे तो मैं उसको समझाने आया हूँ। तो जिनको भी जो चीज सवाल पूछा गया अगर उनका जवाब होगा तो बारी बारी करके जवाब देंगे और थोड़ा शांति का परिचय देंगे, ताकि आप जो 8 बजे अपना काम छोड़ करके जो जुड़े हैं तो आपके जुड़े रहने का भी कुछ फायदा हो, ठीक है। और जो लोग नए होंगे, जिनके पास जवाब नहीं होगा, वो सुनने का प्रयास करेंगे, और जिनके पास जवाब होगा जवाब देंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ऐसा नहीं समझेंगे कि कोई क्लास हो रहा है, बस एक सवाल जवाब हो रही है कि आप कितना समझ पा रहे हैं या कितना इस चीज को आप लाइटली लेते हैं या इस पे आपका फोकस है। तो देखिए, हम आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम खुला हुआ है, ठीक है। तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं पहले, कि कभी भी कोई भी लैपटॉप आपके सामने आता है रिपेयर होने के लिए, ठीक है, तो उसका जब आप स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड करते हैं तो स्कीमेटिक डायग्राम डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो है ना, उसका दो तीन चीज़ें एकदम 100% कंफर्म होना चाहिए, ठीक है। 100% कंफर्म में क्या होता है कि पहला तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि उसका जो है मैन्युफैक्चरर या ODM जिसको बोलते हैं, कि ODM कौन सा है, कौन है ODM। ODM के बारे में जानते हैं आप लोग? ओरिजिनल डिवाइस मैन्युफैक्चरर, ठीक है, तो ODM मतलब कौन है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, इसका मैन्युफैक्चरर कौन है, सर ODM होता है या OEM होता है? दोनों होता है, OEM भी होता है और ODM भी होता है, दोनों को कैटेगराइज किया गया है। उतना डिटेल में भी हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन दोनों होता है, OEM भी होता है और ODM भी होता है, कुछ OEM है और कुछ ODM है, ठीक है। तो अभी एक जो दो तीन पॉइंट के बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, उस पर विशेष ध्यान दीजिए कि सबसे पहले किसी भी एस्केमेटिक डायग्राम को आप ओपन करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, चलिए, कि मैन्युफैक्चरर कौन है। दो पॉइंट को हटा दीजिए, सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि मैन्युफैक्चरर कौन है इसका, जिसका मैन्युफैक्चरर जो है वो कौन सा है, कौन सा, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, कॉम्पाल, ठीक है। तो आप जैसे उसी से हम लोगों को पता चलेगा कि ये कॉम्पाल का बनाया हुआ मदरबोर्ड है, मतलब थोड़ा म्यूट हो लीजिए ना, एक दो को अनम्यूट करके बाकी सारे लोगों को म्यूट कर दीजिए, साजिद जी को अनम्यूट कर दीजिए आप, ठीक कर दिया।
ठीक है, साजिद जी से बात करेंगे, बाकी सभी को म्यूट रहने दीजिए। तो ये समझ गए साजिद जी कि इसको कौन बनाया है, इसको बनाया है कोमपाल, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है मॉडल नंबर, जिसको हम लोग की पार्ट नंबर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर देखिए, जो मदरबोर्ड पे लिखा रहेगा वो ये लिखा हुआ रहेगा आपको LADS J081P, यहाँ पे दिख रहा है आपको इस पॉइंट पे, यहाँ पे दिख रहा है लिखा हुआ। जी 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 दिख रहा है LAJ081P। इसी पार्ट को मैक्सिम ये कीजिए, आप मैक्सिमाइज कीजिए, सब लोग दिख जाएगा, जूम कीजिए, स्क्रीन को जूम कीजिए, दिख जाएगा आपको जो कॉम्पॉल इलेक्ट्रॉनिक INC करके लिखा है ना राइट साइड स्क्रीन पे, ही जूम कर लो, अपने अपने आ जाएगा। जी जी सही बात, शुक्रिया। तो दो चीज हो गए, और तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ठीक है। इसमें प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा प्रोसेसर के बारे में भी लिखा हुआ है, इसमें प्रोसेसर के बारे में लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है प्रोसेसर का, इंटेल CPU Ice Lake -U 4+2 करके लिखा हुआ है। हाँ, ये Ice Lake है, ठीक है। तो Ice Lake का जो प्रोसेसर है वो 10th जनरेशन के कैटेगरी में आता है। ओहो 10th जनरेशन, जी जी ठीक है। ये जो प्रोसेसर है ये 10th जनरेशन का है। आपको तीन चीज पता हो गया, पार्ट नंबर पता हो गया, कौन सा प्रोसेसर है ये पता हो गया, नंबर पार्ट नंबर मॉडल कौन बनाया है, कौन बनाया, किसके आर्किटेक्चर के ऊपर डिजाइन किया गया है, ये तीन चीजें पता चल गई आपको, ठीक है। इसके बाद क्या है यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको वोल्टेज रेल, कोई भी PDF मिलेगा ना, अगर PDF के अंदर ये सारे पॉइंट मिल जा रहे हैं आपको, तो पहले इस पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उससे पहले क्या है, यहाँ पे है एस्टेट, पावर एस्टेट। पावर एस्टेट के बारे में मालूम है आप लोगों को? नहीं पता सर। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखिए आपका जो भी मदरबोर्ड है ना, लैपटॉप के जो मदरबोर्ड है, लैपटॉप के मदरबोर्ड को 5 स्टेप में बांटा गया है, ठीक है। लैपटॉप के मदरबोर्ड को 5 स्टेट में बांटा गया है, वो कौन कौन सा स्टेट है। सबसे पहला स्टेट जो होता है वो होता है G3, ठीक है। G3 स्टेट ऐसा स्टेप होता है जिसमें कि लैपटॉप के मदरबोर्ड 100% ऑफ होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं बनता है, ठीक है। अब S5 स्टेट, G3 के बाद फर्स्ट हो गया G3, सेकेंड में हो गया S5। S5 स्टेट के अंदर ये वो स्टेप होता है, स्टेट होता है जब आप मान लीजिए कि सिस्टम को शटडाउन कर देते हैं ना, जब सॉफ्टवेयर से बंद कर देते हैं तो सिस्टम आपका बंद हो जाता है, आपको लगता है कि बंद है लेकिन उसके अंदर का कुछ पॉइंट या कुछ सप्लाई जो है उसके अंदर ऑन रहती है, वो जो स्टेट है वो स्टेट कहलाता है S5 स्टेट। इसके बाद जो थर्ड स्टेप आता है, S4। S4 स्टेट में का क्या है, यहाँ लिखा हुआ है कि सस्पेंड टू डिस्क, मतलब ये स्टेट ऐसा स्टेट होता है जिसके अंदर की बहुत सारी सप्लाइया बन जाती है, बहुत सारी सप्लाइया मतलब कि अलवेज का तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ SLP S5 से बनने वाली जितनी भी सप्लाई है, जो SLP S5 हैज से जो भी बनने वाला सप्लाई है वो सारा का सारा सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेट आता है S3 स्टेट। S3 स्टेट के अंदर में क्या होंगे कि SLP S5 वाला तो सप्लाई बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ SLP S4 वाली भी सप्लाई बन जाएगी, दोनों सप्लाई बन जाएगा कि SLP S5 से जो भी सप्लाई बनने वाला था वो भी बन जाएगा, उसके साथ साथ SLP S3 वाली भी सप्लाई बन जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट स्टेट होता है वो होता है S0, मतलब हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे G3 S5 S4 S3 S0। S0 स्टेट ऐसा स्टेट है जिसमें कि आपका सिस्टम 100% ऑन हो जाता है, फुल ऑन, ठीक है। तो उसी तरह अगर कहीं भी दिया हुआ है स्टेट दिया हुआ है तो आप मदरबोर्ड के जो भी डायग्राम खोलते हैं तो डायग्राम के ऊपर जो भी स्टेट दिया गया है
उसको एक बार समझिए कि किस स्टेट में कौन कौन सा सप्लाई बन रहा है आपका, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा कि हाँ कौन सी सप्लाई किस स्टेट में बनता है, ठीक है। उसके अलावा अगर उसके अलावा अगर और भी कुछ दिया हुआ है तो एक दिया होगा वोल्टेज प्लान, वोल्टेज रेल या वोल्टेज प्लान पावर प्लान जो भी। तो देखिए आपके मदरबोर्ड के अंदर इतनी सारे वोल्टेज बनेगा, स्टेप बाय स्टेप इतना सारा वोल्टेज बनेगा, ठीक है। इतना सारा वोल्टेज में कौन सा सप्लाई कब कब बनेगा वो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसी हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पे दिखा हुआ है दो दो सप्लाई, एक बोला है 19 वोल्ट अंडर स्कोर ADP इन, 19 वोल्ट अंडर स्कोर ADP इन, ये कौन सी सप्लाई होगी? एडाप्टर पावर का ये रहता है ना, हाँ, कि जो एडाप्टर का जो सप्लाई आता है ना जी, ये एडाप्टर वाला सप्लाई है, ठीक है। और उसी के नीचे लिखा हुआ है कि 17.4 वोल्ट अंडर स्कोर BAT प्लस प्लस, ये कौन सा सप्लाई है? बैटरी का सप्लाई है जी, बैटरी पावर, ठीक है। तो ये दोनों सप्लाई आपके पास होते हैं परमानेंट, जिसमें अगर एडाप्टर लगाएंगे तो एडाप्टर का आएगा और बैटरी लगाएंगे तो बैटरी का आएगा, ठीक है। लेकिन बनने के बाद सबसे पहले जो सप्लाई बना है एडाप्टर लगाए, तो एडाप्टर लगाने के बाद एक सप्लाई बनेगी, क्या कर रहे हैं आप लोग? एडाप्टर लगाने के बाद एक सप्लाई बनेगा, ये सप्लाई क्या होगा? 19 वोल्ट का सप्लाई होगा। ये 19 वोल्ट का सप्लाई कब बनेगा? अब यहां से शुरू हो गया, जैसे आप एक मदरबोर्ड जब जैसे आप मदरबोर्ड में इंसर्ट करते हैं एडाप्टर, तो सबसे पहले जो सप्लाई बनती है कौन सा बनता है? 19 वोल्ट का। तो ये 19 वोल्ट का सप्लाई कैसे कहां पे बनेगा इसको हम लोग थोड़ा सा चेक करते हैं। ये डीसी जैक है, दिख रहा है सभी को? जी जी सर, डीसी इन कनेक्शन, डीसी जैक, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे है डीसी इन कनेक्टर, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये है आपका डीसी जैक। तो डीसी जैक के अंदर क्या होगा, कितने पिन मिलेंगे? इसके अंदर कितना पिन दिखाया गया है? 8 पिन, 8 पिन, जी जी 8 पिन, ठीक है। लेकिन इसमें से आपको कितने पिन की रिक्वायरमेंट होती है? 6 पिन की सर, वो दो ग्राउंड है ना? नहीं नहीं वो तो ग्राउंड है, टोटल आपके पास टोटल कितने पिन होंगे? 3 पिन, हाँ 3 पिन, टोटल 3 पिन होंगे, जिसमें ग्राउंड, हाँ, जिसमें दो नेगेटिव होगा, दो पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे और PSID होगा। सिर्फ 3 पिन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पिन दिया हुआ है तो क्या किया, दो को नेगेटिव बना दिया, दो को पॉजिटिव बना दिया, 4 नंबर ओपन है और 3 नंबर को बना दिया PSID, ठीक है। डेल के अंदर PSID पिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, डेल के अंदर PSID पिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे मदरबोर्ड में अगर PSID डिटेक्ट नहीं हुआ तो आपका मदरबोर्ड ऑन भी नहीं होगा। क्या होगा? आपका मदरबोर्ड ऑन भी नहीं होगा अगर PSID डिटेक्ट नहीं हुआ तो, क्लियर। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि PSID डिटेक्ट हो, होना चाहिए। और डेल के अंदर PSID को चेक करने का एकदम सबसे आसान तरीका है कि PSID डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। आप डेल के लैपटॉप में कैसे चेक करेंगे? पहला आपको सबसे आसान जो सबसे फर्स्ट है तरीका कि BIOS के अंदर आपको चेक कर लेना है, वहां पे एक आया ऑप्शन आएगा एडेप्टर टाइप या AC टाइप, उसके अंदर आगे लिखा होगा 65 वाट, 90 वाट, 45 वाट या अननोन। अननोन का मतलब कि डिटेक्ट नहीं किया है, और इसके अलावा जो भी वाटेज अगर लिख दिया इसका मतलब कि डिटेक्ट हो गया है, हो रहा। मैक्सिमम टाइम में PSID को हम लोग क्यों चेक करते हैं, कब चेक करते हैं? चार्जिंग के सेक्शन में, हाँ, कि जब आपका कोई कस्टमर आपके पास मदरबोर्ड लेके आता है या लैपटॉप लेके आता है, वो कहता है कि देखिए मेरा चार्ज नहीं हो रहा है, क्या कहेगा कि हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं हो रहा है। तो चार्ज नहीं होने के केस में सबसे पहले आपको चेक करना है लैपटॉप को खोलने से पहले कि PSID डिटेक्ट किया कि नहीं किया, मतलब एडेप्टर डिटेक्शन हुई
या नहीं हुई। अगर एडेप्टर डिटेक्ट ही नहीं हुआ है तो चार्ज 100% नहीं होगा। तो पहला काम है कि जैसे ही लैपटॉप आपके पास आए तो ओपन कीजिए, बायोस ओपन कीजिए, बायोस के अंदर ये देखिए कि आपका एडेप्टर डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। हुआ तो आगे का प्रोसेस करना है, नहीं हुआ तो पहले एडेप्टर चेंज करके देखिए, उसके बाद भी नहीं हुआ तो पीएसआईडी सर्किट पे ही काम करना है और कहीं नहीं करना है काम, ठीक है। तो यहां से आपको तीन वायर चलेगी, यहाँ से आपको तीन वायर चलेंगे। कौन कौन चलेंगे? ये जो वन और टू है, पिन नंबर वन टू है, पिन नंबर वन और टू एक ग्राउंड दिया हुआ है। मतलब ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस चीज का है? ग्राउंड का। ये सिंबल ग्राउंड का है, मतलब जहां जहां भी ये सिंबल है सारे के सारे ग्राउंड है और सारे के सारे आपस में कनेक्टेड भी है। अगर आप इस पॉइंट से यहां से और यहां पे अगर आप चेक करेंगे कंटिन्यूटी तो आपको मिलेगा, जहां भी ग्राउंड है सारे ग्राउंड आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड को आपको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, बस इतना चेक कर लेना है कि कनेक्टेड है या नहीं है। आपको ट्रेस किसको करना है? आपको ट्रेस करना है आपको ट्रेस करना है पॉजिटिव लाइन को, ठीक है। सब पॉजिटिव लाइन है तो आप एडेप्टर यहाँ पे 19 एडेप्टर क्या बोल रहे हैं 19 वोल्ट है, मतलब यहाँ पे 19 वोल्ट आपको चेक करना है सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि तीन कैपेसिटर इधर भी लगा हुआ है और तीन चार कैपेसिटर यहाँ भी लगे हुए हैं, तो बता सकते हैं कि ये कैपेसिटर किस लिए लगाया गया होगा और बीच में कॉइल भी लगा हुआ है। ये किस लिए लगाए जाते हैं, आइडिया है आप लोगों को? जी सर बताइए किस लिए। देखिए ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है आपको, ये कैपेसिटर लगा हुआ है अनवांटेड फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए, अनवांटेड फ्रीक्वेंसी या मतलब एक्स्ट्रा नॉइज बोल सकते हैं या डिस्टरबेंस बोल सकते हैं, वोल्टेज के अंदर कुछ भी नॉइज आ गया हो तो उसको रोकने के लिए या उसको फिल्टर करने के लिए इस कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया यहाँ पे, उसी वजह से लगाया जाता है, ठीक है। और क्वाइल भी लगाया जाता है। कैपेसिटर और क्वाइल काम एक जैसे ही करते हैं लेकिन डिफरेंट तरीके से। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर का काम करने का क्या है तरीका? फिल्टर। फिल्टर तो करता है, उसके अलावा क्या करता है? जो भी एक्सटर्नलाइज सिग्नल्स है ना, कैपेसिटर का एक जो यहाँ समझने वाली, जो लैपटॉप के अंदर समझने वाली पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखिए कि कैपेसिटर जो है एसी को पास करता है, डीसी को ब्लॉक पास करता है और डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। लेकिन क्वाइल जस्ट उल्टा करेगा, क्वाइल क्या करेगा, डीसी को पास करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा और एसी को ब्लॉक करेगा, एसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना है, लैपटॉप के मदरबोर्ड में इसी तरीका से हम लोग रिपेयर करते हैं, ओके। इसके बाद ये सप्लाई यहाँ से, यहाँ पे 19 वोल्ट था, यहाँ पे 19 वोल्ट था तो ये क्वाइल से पास होते हुए भी यहाँ पे 19 वोल्ट मिल जाएगा, यहाँ पे 19 वोल्ट आएगा ना? जी सर। ठीक है, अगर आपने चेक किया और यहाँ पे 19 वोल्ट नहीं आ रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्वाइल का। हाँ, तो इसमें क्वाइल के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप एडेप्टर लगा रहे हैं और एडेप्टर की लाइट बंद हो जा रही है, शॉर्टिंग है सर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट हो, लेकिन एक पॉइंट बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ कैपेसिटर लगे हुए हैं 7 कैपेसिटर लगे हुए हैं, 7 में से कोई एक भी कैपेसिटर अगर आपका खराब हुआ, शॉर्ट हुआ, तो 7ों के 7 कैपेसिटर आपको शॉर्ट बताएंगे। जी सर। ऐसा क्यों होता है? पैरेलल में लगे हुए ना सर पूरे। हाँ, ऐसा इसलिए होता है कि सारे के सारे कैपेसिटर जो है पैरेलल में लगे हुए हैं, इसलिए एक भी खराब होगा तो उसका इफेक्ट सबके ऊपर पड़ेगा, ओके। तो आपका वोल्टेज यहाँ पे बन गया कितना, 19 वोल्ट।
अब आपको इसको ट्रेस करना होगा कि ये वोल्टेज जो बना तो ये वोल्टेज बनने के बाद गया कहाँ। तो 19 वोल्ट को सर्च करेंगे तो इसके लिए कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद 19 वोल्ट जहां जहां भी गया होगा वहां वहां पे आपको बता देगा, ठीक है, कि 19 वोल्ट कहाँ कहाँ पे गया है। तो जो हम लोगों को जो जरूरत है वो जरूरत है इस पॉइंट का। माइक म्यूट कर लीजिए। हम लोगों को इस पॉइंट का जरूरत है कि 19 वोल्ट यहाँ पे आया और यहाँ से होते हुए चला गया मॉस्फेट के ड्रेन पे, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो मॉस्फेट है वो कौन सा लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्क होगा। तो ये मॉस्फेट कौन सा लगा हुआ है? एनपीएन है। मॉस्फेट में एनपीएन नहीं, एन चैनल। मॉस्फेट जो है एन चैनल का लगा हुआ है, ठीक है। अब ये भी पता होगा कि एन चैनल का मॉस्फेट अगर लगा हुआ है तो मॉस्फेट को काम करने के लिए क्या चाहिए? सोर्स गेट पे, बाय गेट पे क्या चाहिए? 0.7 वोल्ट। एन चैनल है तो हाई चाहिए जो। हाँ, एन चैनल है तो गेट पे हाई वोल्टेज चाहिए अकॉर्डिंग टू सोर्स के वोल्ट। गेट में जब एन चैनल का मॉस्फेट है तो एन चैनल के मॉस्फेट को काम करने का तरीका ये लिखा हुआ है इसके डेटा सेट के अंदर कि 5 से 6 वोल्ट अगर ज्यादा रहेगा तो ये मॉस्फेट स्विच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बारी आ गई कि ये मॉस्फेट स्विच करेगा कब, ये मॉस्फेट स्विच करेगा कब, इसको हाई मिलेगा कहां से? तो हाई कहाँ से मिल रहा है? तो आप इसके क्या करेंगे, चार्जिंग से होगा सर। हाँ, इसके गेट को ट्रेस करेंगे। तो इसका गेट देखिए कहाँ पे आया हुआ है। पहले तो ये क्या किया कि दोनों मॉस्फेट का गेट आपस में जुड़ गया, मतलब कि अगर एक मॉस्फेट ऑन होगा तो दूसरा भी ऑन होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक रजिस्टर लगा के यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, ASGATE_CHG चार्जिंग दिख रहा है, ASGATE_CHG। और ये पॉइंट किसे कनेक्टेड है, देखिए ये वाला पॉइंट और यहाँ पे देखिए पिन नंबर 7, ये वाला पॉइंट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। मतलब यहाँ से निकलेगा, यहाँ से आएगा और यहाँ पे पिन नंबर 7 से आके जुड़ जाएगा। ऐसा कैसे पता चले कि देखिए अगर कहीं पे सेम सिंबल या सेम वर्ड अगर मिलता है तो इसका मतलब कि 100% आपस में कनेक्टेड है। क्या सेम सिंबल और सेम वर्ड अगर कहीं भी मिलता है इसका मतलब कि 100% वो आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ASGATE_CHG और यहाँ भी लिखा हुआ है ASGATE_CHG, इसका मतलब ये कनेक्टेड है, मतलब कि पिन नंबर 7 से इसको हाई लॉजिक मिलेगा। पिन नंबर 7 मतलब आईसी के पिन नंबर 7 से हाई लॉजिक मिलेगा। लेकिन आईसी का पिन नंबर 7 पे हाई लॉजिक बनेगा कब, जब आईसी ऑन हो मिलेगा सर। नहीं, जब आईसी ऑन होगा और चार आईसी को ऑन होने के लिए इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो इस आईसी के अंदर चार्जिंग को ऑन होने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है डीसी इन सर, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट में आपका ये है, पहला तो डीसी इन, पहला क्या है डीसी इन, यहाँ पे तो लिख नहीं सकेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहला क्या है डीसी इन। अब ये डीसी इन कहाँ से मिल रहेगा, तो डीसी इन को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि एक रजिस्टर लगा हुआ है। इस रजिस्टर का वैल्यू बता पाएंगे कितना है? 15 करते 10 के। इस रजिस्टर का वैल्यू कितना है? 10 के का है। कितना? 10 के सर। नहीं नहीं गलत बता रहे हैं। और 10 ओम है सर। 10 ओम का है। 10 यही समझना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके दिमाग में बैठ गया कि 10 के है और ये 10 ओम बता रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप इसको बदल भी सकते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से ये खराब हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, गलत है। और यहाँ पे है ये 10 ओम का रजिस्टर है, ठीक है, 10 ओम का रजिस्टर है, मतलब कि इसके वैल्यू अगर आप मल्टीमीटर से देखेंगे तो 10 ओम ही बताना चाहिए। सर ये 1206 वो पार्ट सीरियल नंबर है सर, क्या बोले? 1206 जो नंबर है वो पार्ट सीरियल नंबर है क्या सर? नहीं नहीं सीरियल नंबर नहीं है, ये साइज के बारे में बताता है। अच्छा अच्छा ओके। देखिए यहाँ पे जो है 1206 लिखा हुआ है, ये साइज है, यहाँ पे 0402 लिखा हुआ है, ये साइज है कि किस साइज का रजिस्टर लगा हुआ है। ओके सर थैंक यू। ठीक है ये साइज बताता है ये जो, और इसके बगल में जो बता रहा है ना 5%, ये टॉलरेंस है वो, ये इसका टॉलरेंस है कि जब आप इसको चेक करेंगे तो 5% ऊपर नीचे अगर वैल्यू बताता है मतलब सही है। दुलाल जी बार बार हैंड क्यों करते हैं आप, जब जब पूछेंगे तो उसमें कर लीजिएगा आराम से, अभी सुनिए शांति से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि इस चार्जिंग आईसी को सबको डीसी इन देने के लिए यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड को क्या बोलेंगे, कौन सा डायोड है ये? डुअल डायोड तो है लेकिन कॉमन कैथोड डुअल डायोड, हाँ कॉमन कैथोड डुअल डायोड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो भी इन से जुड़ रहा है, भी इन तो इसके बारे में तो आपको पता चल गया कहाँ से कि जो एडेप्टर से जो सप्लाई आई थी क्वाइल के बाद जो सप्लाई बना था वो ये वाला सप्लाई है, क्वाइल के बाद वाला सप्लाई यही था ना जी सर, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी भी रीजन से सप्लाई अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, आईसी को तो पावर कट नहीं होना चाहिए, चार्जिंग आईसी को पावर कट नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि एक और इसका अल्टरनेटिव सप्लाई जोड़ा हुआ है। अब ये देखना होगा कि BA_PWR कहां से जनरेट हुआ। अब देखिए नाम इसमें चेंज हो रहा है, पहले आप देख रहे होंगे तो कुछ अलग अलग टाइप से नाम आपका आता था, लेकिन लेटेस्ट मदरबोर्ड में काम वही है, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, काम वही है लेकिन नाम चेंजेस है। अब नाम चेंज है तब इसको पढ़ेंगे नहीं तो आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट किए होंगे तो कोई काम नहीं आएगा। जो लोग पढ़े हैं वो इसको अपडेट कर सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े हैं कहीं से कॉपी पेस्ट कर लिए या कहीं पे सीख लिए तो सीखा हुआ सारा बेकार हो जाएगा उनका। अब नए मदरबोर्ड में, नए मदरबोर्ड में उनको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और पढ़ने के लिए जो तरीका मैं बता रहा हूँ इससे बेस्ट तरीका आपको नहीं मिल सकता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर। जी सर ठीक है। तो अब इसको देखना होगा कि ये आ कहाँ से रहा है, तो इसको कॉपी कीजिए, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कीजिए और सर्च कीजिए कि आ कहाँ से रहे, जहां से भी आ रहा होगा वहां आपको लेके जाएगा। तो ये देखिए कहाँ से आ रहा है, बैटरी के पास से, बैटरी से ये आ रहा है बैटरी से, लेकिन बैटरी से भी डायरेक्ट नहीं आ रहा है, इसमें भी देखिए कितना जगह जगह पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है, यही अब आप लोगों को चैलेंजिंग वर्क हो गया, आपके मदरबोर्ड में यही आपका चैलेंजिंग वर्क हो गया कि यहाँ पे आ गया बैटरी की सप्लाई। पहले क्या होता था कि डायरेक्ट बैटरी से उठ के जाता था, एक मॉस्फेट लगा होता है बीच में, डायरेक्ट उठ के जाता था और हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बैटरी से तो आया लेकिन आने के बाद यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लग गए, यहाँ पे आने के बाद दो ट्रांजिस्टर लग गया और यहाँ पे बता दिया कि SLP_S5 आएगा SIO से तो ही ये काम बनेगा, ठीक है। तो ये कैसे ऑन और ऑफ होगा, एक चीज आपको और बता दूं मैं कि लैपटॉप के मदरबोर्ड में, आवाज तो आ रही है ना प्रॉपर? जी हाँ आ रही है सर। लैपटॉप के मदरबोर्ड में जितने भी ट्रांजिस्टर और मॉस्फेट लगे हुए हैं वो स्विच का काम कर रहे हैं, स्विच का काम कर रहे हैं, मतलब कि स्विच क्या काम करता है, ऑन ऑफ, या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा, यही होगा। तो यहाँ पे देखिए दो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो यह बता पाएंगे कि दोनों ट्रांजिस्टर कौन कौन सा ट्रांजिस्टर है? सर एक NPN एक PNP। नहीं नहीं अब इसका बताइए, ये कौन सा है? PNP। ये है PNP और ये है NPN। NPN। तो यहाँ पे क्या लॉजिक होना चाहिए कि यहाँ पे आपको पावर मिल जाएगा? सर ये हाई होना चाहिए NPN।
एनपीएन हाई होना चाहिए, मतलब यहाँ पे एनपीएन में यहाँ पे आपको हाई लॉजिक होना चाहिए। हाई लॉजिक आने की वजह से क्या होगा कि ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा यहाँ यहाँ पे लो लॉजिक हो जाएगा और यहाँ पे ऑन हो जाएगा, ठीक है, ये ऑन होगा तो यहाँ पे पावर बन जाएगा। लेकिन इसमें एक फ्यूज डाल दिया क्या कि SIO जब SLP_S5 रिलीज करेगा तो ही बैटरी वाला पावर वहां पे जाएगा, नहीं तो बैटरी वाला पावर वहां पे जाएगा ही नहीं। पहले क्या होता था कि पहले SLP_S5 से कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट वहां से चला जाता था बैटरी का पावर, एक मॉस्फेट लगा होता था और मॉस्फेट से डायरेक्ट क्रॉस करके चला जाता था। यहाँ पे दोनों पावर मिल गए तो आप इसको कह सकते हैं कि एक एडेप्टर का सप्लाई हो गया और एक बैटरी का हो गया, यही हुआ जी सर। एडेप्टर रहेगा तो एडेप्टर का मिलेगा, बैटरी रहेगा तो बैटरी का मिलेगा, लेकिन मिलेगा दोनों ही केस में, ठीक है। उसके बाद एक रजिस्टर लग गया 10 ओम का और रजिस्टर लगा के यहाँ पे पिन नंबर 17 के ऊपर इसको वोल्टेज दे दिया गया, तो वोल्टेज कितना आएगा, या तो 19 वोल्ट आएगा या 17 वोल्ट, या तो 19 आएगा या तो 17.4 जो भी बैटरी का वोल्टेज है वो आएगा, या तो 17 आएगा या तो 19 आएगा। लेकिन अब एक चीज मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि जो रजिस्टर है ये रजिस्टर किस लिए लगाया गया है यहाँ पे? प्रोटेक्शन के लिए सर। किसके लिए लगाया गया है सर? प्रोटेक्शन के लिए, फ्यूजिबल रजिस्टर के हिसाब से, मेरे हिसाब से, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और भी कोई मकसद हो सकता है इसके लगाने के पीछे? सर रजिस्टर है तो रजिस्टिविटी होता है ना, तो थोड़ा तो स्लो होगा ही वोल्टेज। नहीं नहीं होगा, लो नहीं होगा इसमें एक्चुअली, कि जब इसको जब तक इसको ग्राउंड नहीं किया जाएगा तब तक ये वोल्टेज को तो ड्रॉप नहीं करेगा। देखिए आपको एक बताता हूँ, जब आपके पास जो कोई भी एडेप्टर होता है, मान लीजिए कोई भी एडेप्टर है, तो एडेप्टर के पास ऊपर देखे हैं कभी भी कुछ चीजें लिखी हुई होती है, जैसे वहां पे लिखा होता है 19 वोल्ट, 3.42 एम्पियर, 65 वाट, ये पढ़े हुए हैं लिखा हुआ कहीं? हाँ पढ़े सर, एडेप्टर के ऊपर लिखा हुआ होता है जी सर। इसका मतलब क्या है? इसमें जो पावर आ रहा है उसका रेशियो है सर। इसका मतलब ये है कि जो आप एडेप्टर लगा रहे हैं, एडेप्टर की वोल्टेज 19 होनी है, 3.42 एम्पियर का है और 65 वाट का है, ठीक है। लेकिन इसी मदरबोर्ड को आप क्या करते हैं, पावर सप्लाई से लगा देते हैं, पावर सप्लाई से लगाते हैं, जो रिपेयर करने वाले सारे पावर सप्लाई से ही लगाते हैं जी सर, ठीक है। और आपके पावर सप्लाई में 5 एम्पियर होता है जी, या अभी बहुत सारे लोग 10 एम्पियर का भी इस्तेमाल करते हैं जी सर, या तो 5 एम्पियर होगा या तो 10 एम्पियर। तो अगर आप जहाँ पे 3 एम्पियर या जहाँ पे 4 एम्पियर की रिक्वायरमेंट थी 3.5 एम्पियर का, वहां पे आप 5 एम्पियर देते हैं या 10 एम्पियर देते हैं, तो कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा? होगा सर, एम्पियर ज्यादा तो हीटिंग भी प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन आप तो ऐसा ही काम करते हैं तो फिर आप क्यों एम्पियर कम नहीं करते? आप तो एम्पियर कम करके कभी काम नहीं ना करते हैं जी सर। नहीं सर। या एक काम और, आपको एक चीज और मैं बताता हूँ, कहीं पे भी मान लीजिए 65 वाट एडेप्टर की रिक्वायरमेंट है, उसके जगह पे आप 90 वाट लगा के चलाते हैं, सालो चलाते हैं जी सर, फिर प्रॉब्लम होना चाहिए था, तो प्रॉब्लम क्यों नहीं होता है सर? वोल्टेज क्योंकि कंपनी वाले को, बनाने वाले को ये पता है कि ऐसा मिसयूज होगा, या वो हमसे एक कदम आगे सोचते हैं जी सर। उनके पास जितना नॉलेज है वो हमसे एक कदम आगे है। हम लोग क्या सीखे हैं? ठीक करना। हम लोग यही सीखते हैं कि कोई सामान खराब हुआ तो हम उसको ठीक कर दें, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। हम कोई नया इन्वेंट तो करते नहीं है जी सर, ठीक है। लेकिन उनको पता है कि कुछ ना कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या है, इस रजिस्टर को लगाया गया है करेंट को लिमिट करने के लिए। अब मैं रजिस्टर का वर्क पूछता हूं आपसे कि रजिस्टर क्या काम करता है, अब आप बताइए कि रजिस्टर क्या काम करता है, रजिस्टर का काम क्या है? वोल्टेज को कंट्रोल करना। वोल्टेज
वोल्टेज को कंट्रोल करने का पावर इसके पास है ही नहीं। अगर आप जानते हैं तो करंट फ्लो करता है। नहीं सर, मेरे हिसाब से सर साइकिल से जो पल्स होते हैं उसको ड्रॉप कर देता है सर। नहीं नहीं, और बताइए, अभी तक सेटिस्फेक्शन वाले जवाब नहीं मिला। रजिस्टर इज फ्लो ऑफ करंट। देखिए रजिस्टर का जो परिभाषा है या जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के अंदर जो मैंने पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि रजिस्टर करंट के फ्लो में रुकावट करता है। ठीक है, करंट के फ्लो में रुकावट करता है। ठीक है, और अपने हिसाब से कुछ दूसरा बताया जाए तो उसमें रहता है कि ये वोल्टेज को पास करता है और करंट को अपोज करता है। ये दूसरा लैंग्वेज में दूसरा मतलब हो गया, लेकिन एक एक्चुअली इसका जो मेन परिभाषा ये यही है कि करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। ओके, सेम उसी तरह से यहाँ पे लगा हुआ कि आप इधर करंट कितना भी देंगे, रजिस्टर के बाद एक करंट फिक्स करंट आउटपुट होगी। रजिस्टर के बाद जो आउटपुट होगा वो फिक्स करंट आउटपुट होगा। ठीक है, लेकिन फिक्स करंट कितना आउटपुट होगा आप करंट निकालने जानते हैं? अब एक चीज आपको और बता दूं कि लैपटॉप को चलने के लिए वोल्टेज से ज्यादा करंट की आवश्यकता होती है। अगर करंट सही नहीं है तो आपका लैपटॉप ऑपरेट नहीं होगा, ऑन नहीं होगा। मतलब लैपटॉप का कोई भी डिवाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वोल्टेज से ज्यादा करंट को मायने रखता है। वोल्टेज तो उसको चाहिए ही क्योंकि वो फोर्स है, लेकिन करंट चाहिए उसका, करंट के दम पे ही वो चलता है। अगर करंट सही नहीं है तो आपका आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क नहीं करेगा। क्लियर? तो आप, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या रजिस्टर के बाद कितना करंट फ्लो हो रहा है, कोई बता पाएंगे? और यही बेसिक है। अगर ये सारे पॉइंट आपको नहीं पता है तो आगे जाके आप प्रॉब्लम में फंसेंगे ही फंसेंगे, जिसको कि आपको समझ नहीं आएगा कि इसके बाद क्या करना है। अब मैं आगे बताता हूं। देखिए आपके पास पीछे से कितना है सप्लाई, पीछे से है आपका 19 वोल्ट और 5 एम्पियर, यही दिया हुआ है। आपने अगर पावर सप्लाई से जोड़े हैं तो आपने दिया 19 वोल्ट और 5 एम्पियर, लेकिन आईसी को जितना चाहिए उसको उतना ही करंट मिलेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या लगा हुआ है करंट को लिमिट करने के लिए, कि आउटपुट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो ना हो, इसके लिए एक रजिस्टर लगा दिया गया है। और रजिस्टर में ये बताया गया है, रजिस्टर में ये बताया गया है कि इसकी वैल्यू 10 ओम की है। अब आपको करंट निकालना है कि कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो आई, आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला है करंट निकालने का? आपको ओम्स का, आप ओम्स लॉ के बारे में अगर जानते होंगे तो ओम्स लॉ में ये बताया गया है कि अगर किसी भी पॉइंट का करंट निकालना है तो उसके वोल्टेज को डिवाइड कर दीजिए या मतलब भाग दे दीजिए करंट से, सॉरी रेजिस्टेंस से। तो वोल्टेज कितना है 19, रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1.9 एम्पियर। तो यहाँ पे जो करंट है, यहाँ पे फिक्स करंट पास होगा 1.9 एम्पियर। आप पीछे वाला करंट को 5 एम्पियर से बढ़ाकर 10 एम्पियर भी क्यों ना कर दें, आपको आउटपुट में 1.9 एम्पियर ही पास होंगे। हाँ, यहाँ का करंट में कब वेरिएशन होगा, जब आउटपुट के वोल्टेज को अगर आप वेरिएशन कर देते हैं तो यहाँ के करंट में भी वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट मैं आपको इस जगह पे ये बताना चाहूंगा कि कभी भी आप लोगों के पास ऐसा प्रॉब्लम आता है, बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या बैटरी सम टाइम चार्ज होती है, कुछ परसेंटेज पे जाने के बाद चार्ज होना बंद हो जाता है, ठीक है, कभी चार्ज होती है कभी नहीं होता है, तो उस केस में इस रजिस्टर की वैल्यू को जरूर चेक करें। एक्चुअली क्या है कि रजिस्टर का वैल्यू बढ़ जाने की वजह से यहाँ पे करंट कम हो जाता है, जितना करंट इसको चाहिए होता है उतना करंट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बैटरी चार्ज करते समय प्रॉब्लम करता है। क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब बैटरी लगा के चार्ज करना होता है तो उस समय ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। आप उसका इफेक्ट आप डीसी सप्लाई के ऊपर देखते होंगे,
कि जब किसी भी लैपटॉप के अंदर बैटरी नहीं लगाते हैं तो कम करंट कंज्यूम करता है और बैटरी लगाने के बाद करंट का कंजप्शन बढ़ जाता है, ऐसा देखे हैं आप लोग? जी सर। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बैटरी को चार्ज होने के लिए ज्यादा करंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसीलिए उसका जब ज्यादा करंट इसको चाहिए, लोड ज्यादा पड़ा तो यहाँ पे खपत बढ़ जाता है, और यहाँ पे करंट कम होने की वजह से वो बैटरी चार्ज नहीं कर पाता। तो कभी भी चार्जिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो एक बार इस रजिस्टर को आप लोग जरूर चेक करेंगे, चाहे कहीं भी हो, लगभग लगभग सारे जनरेशन का लैपटॉप में लगा होगा ये, इस टाइप का कॉन्सेप्ट होता ही होता है सबके पास, अभी तक जो मैंने देखा है वो लगभग लगभग है ही सब में, तो इसको आप लोग जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है? आगे बढ़ा जाए। हेलो जी सर। यस सर। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ नया मिल रहा है कि सब पुराना ही है? नहीं, नया है सर। ठीक है, अब हमारा एक पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि मुझे डीसी इन पे मिल गया 17 वोल्ट या 19 वोल्ट, ठीक है। इसके अलावा एक पॉइंट और चाहिए इसको, कंफर्मेशन, एडेप्टर का कंफर्मेशन चाहिए। आईसी एडेप्टर का कंफर्मेशन लेता है कि एडेप्टर लगा हुआ है कि नहीं, और वो भी वैलिड है कि नहीं, दोनों चीज उसको चाहिए कि पहला तो एडेप्टर लगा और वैलिड है कि नहीं, इसका कंफर्मेशन लेता है। तो दूसरा पॉइंट में क्या चेक करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आप पहले बहुत सारे बीक्यू सीरीज का जो आईसी देखे होंगे उसके अंदर लिखा होता है एक पॉइंट जिसको बोलते हैं हमको एसी डिटेक्ट, देखे हैं लिखा हुआ? जी जी। उसी के जगह पे आईएसएल का ये आईसी है शायद, तो इसके अंदर लिखा हुआ है एसी इन, ये वाला एसी इन और एक और एसी इन जो एसआईओ के पास जाता है वो वाला एसी इन, नाम तो एक ही है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, उसको ना समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ एसी इन, एसी इन मतलब क्या है कि ये एडेप्टर का इनपुट है कि एडेप्टर लगा हुआ है कि नहीं, ये आईसी को बताता है। क्यों बताता है? क्योंकि जब एडेप्टर लगा होगा तभी तो एसी ड्राइव बनेगी, यानी कि इसमें एएस गेट बनेगा। बीक्यू सीरीज में होता है एसी ड्राइव, इसके अंदर लगा हुआ है एएस गेट। देखिये पॉइंट लगभग वैसा ही है लेकिन नाम चेंज है। अब अगर नाम आप नहीं याद रखे हैं तो भूल जाइए कि आप रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे लगा हुआ है एसी इन, तो आप ध्यान देंगे कि एसी इन पे कितना वोल्टेज बनेगा, एसी इन के ऊपर कितना वोल्ट बनेगा? 19 वोल्ट। जी नहीं सर, वोल्ट इन डिवाइडर है सर। एसी इन के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू वोल्ट बनेगा, तो कोई है जो वोल्टेज डिवाइडर को अगर कैलकुलेट कर दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ देखिए ये दोनों रेजिस्टर मिला के वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, सिंपली इस रेजिस्टर को यहाँ पे कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करने के बाद जितना आता है आंसर उतना वोल्टेज आया तो 100% सही है, कोई काट नहीं सकता उसको, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट कीजिए आपको पता लग जाएगा। बस आपको इतना याद रखिए कि डीसी इन के ऊपर जो वोल्टेज का इनपुट दिया गया है वो मिलेगा और एसी इनके ऊपर जो वोल्टेज डिवाइडर कह रहा है वो मिलना चाहिए, ठीक है। और इससे ज्यादा डिटेल में चाहिए कि भाई जो, तो उसका सर के डेटा शीट पढ़ लीजिए, डेटा शीट के अंदर मेंशन होता है, लेकिन बार हर मॉडल का या हर आईसी का डेटा शीट पढ़ना बेवकूफी है। सिंपली इतना याद रखिए कि जो वोल्टेज डिवाइडर बन रहा है अगर उतना वोल्ट आपको मिला, मल्टीमीटर से चेक कीजिए उतना वोल्ट मिला तो सही है। हाँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वोल्टेज की एक्यूरेसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए कौन सा रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर बता रहा है कि 1% ही ऊपर नीचे वैलिड है, मतलब कि यहाँ पे 100% एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ वोल्टेज आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट में मेजर होता है, पॉइंट का भी फर्क हुआ ना वोल्टेज का तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए जितना इसको बनना चाहिए उतना बन रहा है तो सही है, नहीं बन रहा है तो रजिस्टर की वैल्यू चेक कर लीजिए, ठीक है। पहले के लैपटॉप में क्या होता था कि सिर्फ वोल्टेज डिवाइडर बना दिए एसी डिटेक्ट हो गया, लेकिन अब क्या है कि अब इसके पीछे भी प्रोटेक्शन लग गया। प्रोटेक्शन में क्या लगा हुआ है, एक मॉस्फेट लगा दिया और ये कहीं और आगे गया होगा, तो ये कहीं और आगे गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस मॉस्फेट को बारे में समझिए कि मॉस्फेट का क्या स्टेटस होना चाहिए उस समय जब एसी डिटेक्ट बनेगा, उस समय मॉस्फेट का क्या कंडीशन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? ऑफ होना, ऑफ रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि अगर ये ऑफ रहेगा तो ही यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बनेगा, अगर ऑफ नहीं हुआ तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर नहीं बन पाएगा। और इसको ऑफ रहने के लिए ये जो एडेप्टर अंडर स्कोर डीआईएस आ रहा है, ये क्या होगा? लो लॉजिक होगा, ये लो होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई लॉजिक आ गया तो हाई लॉजिक आने का मतलब कि इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब यहाँ पे आपका दो पॉइंट हुआ, अभी भी बहुत सारे पॉइंट बाकी है इसको काम करने के लिए। जब ये दो पॉइंट होंगे तो इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे एक है वीडीडी, यहाँ पे एक है वीडीडी, वीडीडी क्या होगा? वीडीडी जनरेट हो जाएगी, ये वीडीडी जनरेट हो जाएगा। और यही वाला जो वीडीडी जो जनरेट हुआ, यही वाला वीडीडी यहाँ से आगे बढ़ के, यहाँ देखिए सेम नाम है वीडीडी अंडर स्कोर सीएचजी, और यहाँ पे भी है वीडीडी अंडर स्कोर सीएचजी, मतलब ये वाला सब ये ट्रैक से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसे आईसी का अंदर अलग अलग है, लेकिन इसका इंटरनल ट्रैक से जुड़ा होगा, आईसी के इंटरनल नहीं, मतलब मदरबोर्ड के ट्रैक से ये जुड़ा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बनेगा जो वोल्टेज, वही वोल्टेज आपको यहाँ पे मिलने लगेगा, ये 5-6 वोल्ट के आसपास यहाँ पे होगा, 5 वोल्ट होगा समथिंग, ठीक है। यहाँ पे ये वोल्ट आपको मिलेगा, ये मिलना चाहिए, ठीक है। ये वीडीडीपी का क्यों रिक्वायरमेंट है? ये वीडीडीपी जो है इसका रिक्वायरमेंट क्यों है? इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट इसलिए है कि जो ये लोअर जो मॉस्फेट होते हैं ना, जो स्विचिंग के टाइम पे जो लोअर मॉस्फेट होता है, उसके ऑन कराने के लिए ये उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जब ये दो पॉइंट हो जाएंगे ना, तो इसके बाद आप आगे पॉइंट के बारे में आपको सोचना है। आगे पॉइंट के बारे में क्या सोचना है कि एएस गेट के पास ये जो रजिस्टर है, एएस गेट के पास ये जो रजिस्टर है ये सही होना चाहिए, और यहाँ पे जो रजिस्टर लगा हुआ है सीएमएसआरसी, ये सही होना चाहिए, और इसके ट्रैक भी सही होने चाहिए। क्या होना चाहिए? कि ये जो दोनों रजिस्टर सही होना चाहिए और इसके ट्रैक भी सही होने चाहिए, आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि एएस गेट और सीएमएसआरसी ऐसा पॉइंट है जहां पे कि लोग हमेशा मिस करते हैं। अगर सीएमएसआरसी सेंस नहीं हुआ तो एएस गेट बनेगा ही नहीं। तो सीएमएसआरसी और एएस गेट दोनों ही बनने चाहिए। अगर सीएमएसआरसी में प्रॉब्लम हुआ तो एएस गेट नहीं बनेगा, और एएस गेट में प्रॉब्लम हुआ तो सीएमएसआरसी तो ऐसे भी नहीं बनेगा। इसमें किसी किसी में सीएमएसआरसी बन जाते हैं, क्योंकि उस समय जो मॉस्फेट का डायरेक्शन है उस समय उल्टा हो जाता है। क्लियर है? समझ में आया? जी सर। तो आप जो पीछे जो भी रिपेयर करते थे और अब जो रिपेयर करेंगे उसमें देखें कितना चेंजेज आ गया है। पहले क्या था कि प्रोटेक्शन था ही नहीं, इसमें क्या है कि कदम कदम पे प्रोटेक्शन लगा दिया, हर किसी के पीछे प्रोटेक्शन, पावर आ रहा है उसके पीछे प्रोटेक्शन, एसी डिटेक्ट बना उसके पीछे प्रोटेक्शन, तो हर किसी का प्रोटेक्शन। अब ये प्रोटेक्शन क्या है? मॉस्फेट है। अब मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर का वर्किंग इन सब मदरबोर्ड में बढ़ गया है। अगर मॉस्फेट और ट्रांजिस्टर का वर्किंग 100% नहीं पता, वोल्टेज डिवाइडर का कैलकुलेशन 100% नहीं पता, वोल्टेज डिवाइडर कैसे बनता है उसको समझ नहीं आएगा, तो आप स्कीमेटिक डायग्राम नहीं पढ़ पाएंगे, और स्कीमेटिक डायग्राम नहीं पढ़ पाएंगे तो इम्पॉसिबल है कि आप लैपटॉप को रिपेयर कर पाएंगे। तो कुल मिला के रिजल्ट कहाँ पे गया कि आपको बेसिक, जिसको कि आप इग्नोर करते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर बेसिक में ही गड़बड़ा गए तो आगे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो जो लोग भी छोड़ दिए हैं, जो लोग भी अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा से एक दो बार बेसिक को रिवाइज कर लें। करेक्ट करेक्ट, बहुत सही बोला सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, अब आपको पता चल गया एएस गेट आपका बन गया, एएस गेट बन गया। एएस गेट कितना बना? लगभग 25 वोल्ट। जी 25। ठीक है, एएस गेट बना, 25 वोल्ट बन गया, ठीक है। और ये है सीएमएसआरसी, सीएमएसआरसी पे कितना बनेगा? सीएमएसआरसी पे कितना वोल्ट मिलेगा आपको? 19 वोल्ट। सीएमएसआरसी पे मिलेगा आपको 19 वोल्ट।
तो कहाँ गया सीएमएसआरसी, यहाँ पे है सीएमएसआरसी पिन नंबर 5। पिन नंबर 5 के ऊपर मिलेगा 19 वोल्ट और एस गेट किधर है, पिन नंबर सेवन के ऊपर मिलेगा कितना, 25 वोल्ट। ठीक है, अब जैसे इसको 25 वोल्ट मिला तो ये क्या करेगा, मॉस्फेट ड्रेन टू सोर्स स्विच कर जाएगा। इसकी जो मॉस्फेट है मॉस्फेट स्विच कर जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो 19 वोल्ट की सप्लाई था तो यहाँ पे यहां से यहां आ जाएगा सोर्स के ऊपर। यस नो जी वे आ जाएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी 19 वोल्ट मिलेगा, यही वाला 19 वोल्ट सीएमएसआरसी सेंस करता है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अगर ये देखिए आपस में जुड़ा हुआ है दोनों, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 19 वोल्ट और यहाँ पे जब ये मॉस्फेट ऑन हुआ तो ये भी ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा, ऑन होने के बाद यहाँ पे आ जाएगा और थोड़ा सा जो आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जो 19 वोल्ट आएगा और ये आ गया एक रजिस्टर, करंट सेंसिंग रजिस्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं CLR। ठीक है, अब CLR तक अगर आपका वोल्टेज आ गया तो इसका मतलब क्या कहेंगे कि आपका वोल्टिन ओके हो गया।